तो दोस्तों, जैसा कि आज 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर था, रासायनिक विज्ञान का 2024 का पेपर कोड देख सकते हो 347 जीई पूर्णांक 70 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, ठीक है। और पेपर यार फिजिक्स की अपेक्षा, जैसा कि फिजिक्स का पेपर कठिन आ गया था, लेकिन फिजिक्स की अपेक्षा यार केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा मस्त है 347 जीई कोड का, ठीक है। तो देखो, देखते कैसा पेपर आया था, आप लोग भी बताना कमेंट करके कि पेपर आपका कैसा गया। उससे पहले यार, अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शुरू कर लेना। तो देखो, पहला क्वेश्चन था, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ो, का नंबर किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो विलय के आपके किसके विलय के कणों की संख्या पर। ये आपका जिसने भी लगाया था गलत लगाया था, पहला ऑप्शन इसका सही है, विलय के कणों की संख्या पर, ठीक है। कौन सा? विलय के कणों की संख्या पर, ठीक है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही था कि किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर। जिसने पहला ऑप्शन सही किया उसका सही है। फिर था KMnO4 में Mn की आक्सीकरण संख्या बताओ। तो एकदम आसान था, देखो पोटेशियम की होती +1 और आपका Mn की निकाल ली, Mn को मान लो x, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की होती -2, तो -2 रख दो, और कितने ऑक्सीजन 4, तो -2 × 4 = 0। यहाँ से सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू +7 आएगी, तो इसका चौथा ऑप्शन सही था, ठीक है। KMnO4 में Mn की आक्सीकरण अवस्था प्लस का 7 होगी, जिसने चौथा ऑप्शन टिक किया उसका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गा नंबर CONH3 का होल 4Cl2 और बाहर लगा Cl में कोबाल्ट की, आपका क्या करो, कोबाल्ट की उपसहसंयोजन संख्या बताओ, ठीक है। कोबाल्ट की उपसहसंयोजन संख्या बताओ, ठीक है। तो देखो, इसमें एक चीज है यार, इसमें कंफ्यूज बहुत लोग हो गए होंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था उपसहसंयोजन संख्या बताओ, आपसे यहाँ पे आक्सीकरण संख्या नहीं पूछा गया, आपसे कह रहा उपसहसंयोजन संख्या बताओ। तो उपसहसंयोजन संख्या ऐसी संख्या होती है, जैसे आपका मान लो केंद्रीय धातु परमाणु CO है, इस CO से जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं वो आपकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो देखो, यहाँ पे 4NH3 अर्थात 4 लिगेंड ये हो गए, और 2Cl अर्थात 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, इसका चौथा ऑप्शन सही था, ठीक है। 3 नहीं होगी, क्योंकि आपसे आक्सीकरण संख्या नहीं पूछा, आपसे उपसहसंयोजन संख्या पूछा है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही। जिसने 6 टिक किया है उसका ही सही है, और जिसने 3 किया है उसका गलत है, ठीक है। क्योंकि यहां पे आक्सीकरण संख्या नहीं, आपसे उपसहसंयोजन संख्या पूछा गया है, तो यहां पे इसका चौथा विकल्प सही होगा, 6, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 4NH3 और 2 क्लोरीन अर्थात 6 लोग जुड़े हैं इस CO के साथ, अर्थात इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 थी। फिर था इटाल्ड अभिक्रिया में टालुइन को बेंजाल्डिहाइड में आक्सीकृत करते हैं CrO2Cl2 के द्वारा, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही था, और इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपको पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl की अभिक्रिया फिनॉल C6H5OH से करते हो तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। फिर किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। इस वाले पे बस आपका शायद किसी का गलत हुआ होगा, जिसने दिमाग लगाया होगा उपसहसंयोजन संख्या पे उसकी 6 ही आई होगी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कितने विकल्प किसके सही थे। आप चलते आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरे का नंबर, देखो इसमें तो आपसे मस्त परिभाषाएं पूछी गई थी। दूसरे का पे किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते बताइए। 2 नंबर का था, बढ़िया, मोलरता और मोललता में अंतर बताना था, और फिर तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है ये बताना था, ठीक है, 2 नंबर का। फिर था पाइरोसुलाइट, ठीक है, पाइरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो परमैंगनेट आयन कौन होता है? MnO4-, तो इसी का आपको संरचना सूत्र लिखना था, ठीक है। फिर था गा नंबर, उपसहसंयोजन यौगिकों में आयनन समवयता तथा बंधनीय समवयता को उदाहरण सहित समझाइए, 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, ठीक है। फिर था हेलोएल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अब किया SN1 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, 2 नंबर का ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो देख सकते हो ये 2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन थे। फिर अगर आगे चले यहां पे तीसरे नंबर प्रश्न पे, तीसरे का अवाष्पशील विलेप तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के राउल्ट का नियम, देख लो राउल्ट का नियम पूछ लिया गया, राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और इस नियम का गणितीय व्यंजक अर्थात इसका सूत्र लिखे, 2 नंबर पे। लो एकदम आसान क्वेश्चन आया, राउल्ट का नियम लिखो, ठीक है। ये तो पहले ही बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे का खा नंबर था, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन था। फिर था फेलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फेलिंग विलयन द्वारा और सिप अभिकर्मक के द्वारा आप एल्डिहाइड की अभिक्रिया और कीटोन की अभिक्रिया, तो फिर उसमें क्या भिन्नता है ये बताओ, 2 नंबर का। फिर था कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का। मतलब कार्बोहाइड्रेट बताना था ये क्या होता है, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताने थे, 2 नंबर वाले ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो देखो पेपर फिजिक्स की अपेक्षा तो बहुत अच्छा आया था ये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख सकते थे चौथे का आपका, ये तीन नंबर का प्रश्न था, न्यूमेरिकल दिया गया था आपका, ठीक है, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात आपको केबी को परिभाषित करना था, इसकी परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। फिर कहा गया 0.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान इसका 60 है, मतलब इसका अणुभार 60 है, के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, अर्थात आपको टीबी का मान निकालना था। और कह रहा था जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात केबी की वैल्यू आपको दी गई थी 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और जल का क्वथनांक टीबी नॉट की वैल्यू आपको दी गई थी 37.15, आपको सिंपल टीबी की वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। कल का जो आपका वीडियो आया था विलियन चैप्टर के, जब न्यूमेरिकल कराए थे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था, जिसने कल का वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था तीन नंबर पे। फिर था वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए, तीन नंबर का। ठीक है, तो यह प्रश्न भी अच्छा था। ठीक है, फिर था अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए, ये तो पहले से ही बताया था, पक्का आएगा क्वेश्चन कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, तीन नंबर का प्रश्न। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। फिर घ नंबर था LuOH का होल थ्राइज की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइज अधिक क्षारीय है क्यों, और दूसरा था संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तीन नंबर का प्रश्न था, दोनों आपको करने थे। ठीक है, आपको ये हमने पहले ही बताया था संक्रमण तत्व क्या होते, इनके लक्षण जब बताए थे तो उसमें अनुचुंबकीय लक्षण और रंगीन आयन कैसे बनते, कैसे बनते, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते। तो ये तो एकदम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक अच्छे से हमने क्लियर किया था, जिसने पढ़ा होगा उसने इस क्वेश्चन को भी कर लिया होगा। ठीक है, ये थे तीन तीन नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, फिर आगे पांचवा का नंबर प्रश्न था आपका, ये भी तीन नंबर पे था, कह रहा था, सॉरी ये चार नंबर पे था, कह रहा था ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण तेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के दो लाभों का वर्णन कीजिए, दो नंबर का ये प्रश्न था। और नीचे था निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, लो विद्युत वाहक बल की गणना करने को कह रहा था, सिंपल कुछ नहीं करना था आपको, इसमें बस कैथोड और एनोड पहचानो और आपस में घटा दो, फॉर्मूला होता है आपका सेल के विद्युत वाहक बल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, अर्थात आपको जो कैथोड हो कैथोड को एनोड से घटा दो, वही आपका सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा, दो नंबर का। ठीक है, कल ही विद्युत रासायन वाला चैप्टर कराया है। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल। फिर देख लो ये क्वेश्चन मस्त सा आ गया था चार नंबर पे, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव बताओ, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगे समय की गणना कीजिए। इसीलिए कह रहे थे भैया कि तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल अभी आपके कल रात में ही आपके अपलोड किए गए थे, जिसने तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल किए अच्छे से उसको समझ में आ गए होंगे और सारे न्यूमेरिकल उसने किए होंगे। देख सकते हो ये रासायनिक बलगत की चैप्टर का है, ये विद्युत रासायन चैप्टर का है, और ये ऊपर वाला चैप्टर का, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ठीक है, फिर देख सकते हो गा नंबर CrNH3 का होल 6+ अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4+ प्रतिचुंबकीय है, संयोजकता आवरण सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने कराया आपका। ठीक है, संयोजकता आवरण सिद्धांत के आधार पर कैसे आप अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय सिद्ध कर सकते हो, यह भी बताया हुआ था। ठीक है, चार नंबर पर। फिर देख सकते हो यहां पर दूसरा था निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखिए, IUPAC भी एकदम अच्छे से सिखाया था आपको, आपने इसको भी कर लिया होगा, दो नंबर का ये था और दो नंबर का ये आपका था। ठीक है, तो पेपर बहुत मस्त था, देख सकते हो। घ नंबर था न्यूक्लिक अम्ल क्या है, DNA की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर था प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए, चार नंबर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी था। फिर आगे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आओगे तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन था हेलोएरिन की नाभिक राग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पहला वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, पांच नंबर पे ये था। ठीक है, तो इससे आपको पांच नंबर मिलते, या बीच में अथवा लगा हुआ था, आप अथवा के बाद वाला प्रश्न भी कर सकते थे। देखो अथवा के बाद यहां पे आपको क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं दी गई थी, देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है जब वाली अभिक्रिया दी गई थी, केवल रासायनिक समीकरण दो, पांच नंबर। पहला एथिल ब्रोमाइड अर्थात C2H5Br की अभिक्रिया आप किससे करो, सोडियम एथॉक्साइड से अर्थात C2H5ONa से, जिससे आपको क्या बनेगा, जिससे आपका क्या बनेगा ये बताना था। तो यहाँ से C2H5, यहाँ से OC2H5 डाईएथिल ईथर बनेगा। ठीक है, अगला था एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से होती तो क्या बनेगा, तो सिंपल एथिल और ये CN एथिल साइनाइड बनेगा। ठीक है, एकदम मस्त मस्त अभिक्रिया आई थी। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करते तो क्या होगा, ये भी आप आसानी से कर सकते थे। फिर था नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल की वजह से होती तो क्या होगा, फिर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पांच अभिक्रिया थी, चाहे आप ये पांच अभिक्रिया कर लेते या इधर ऊपर वाला जो प्रश्न था ये कर लेते, पांच नंबर आपको मिलने थे। ठीक है, तो पेपर देख सकते हो कैसा था, सब लोग कमेंट करके बताएगा कि किसका पेपर कैसा गया है। ठीक है, खा नंबर था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पांच नंबर पे पहला शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, राइमर टीमन अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण।
सड़क है। तो ये सारी नेमिंग रिएक्शन आपको कराई गई थी। अथवा पे था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा था निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। लो पूछ लिया गया फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, सिंपल फिनॉल की अब क्या नाइट्रिक अम्ल से करो, पिक्रिक अम्ल आपका बन जाएगा, ठीक है, जिसका एक नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिर था एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनेगा, एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनेगा, इसको भी आपको बताना था। एथेनॉल का मतलब एथिल एल्कोहल और मेथेनॉल का मतलब मेथिल एल्कोहल। तो एकदम आसान से अभिक्रिया थी ये वाली भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ये आपका कितने नंबर पे था, ये कितने नंबर पे था, 2 नंबर, और ये ऊपर वाला 3 नंबर, करना एक ही था, ठीक है। अथवा लगा था, चाहे नीचे वाले प्रश्न कर लो या ऊपर वाले। आप चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है, इंग्लिश वालों देख लो इंग्लिश का। फिर देखो 7वें का कहा था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिए। अरे यार पूरी नेमिंग रिएक्शन कितनी सारी तो आ गई। देखो 7वें का पहला था कैनिजारो अभिक्रिया, गाटरमैन कोक एल्डिहाइड और आपका एल्डोल संघनन, ये 3 अभिक्रिया करनी थी 5 नंबर पे। अथवा लगा था निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रिया आ गई, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट और एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजाइडिहाइड, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और खा नंबर पे था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ग्रैबियल थैलीमाइड संश्लेषण, हाफमान ब्रोमेमाइड अब किया, कार्बिन एमीन अब किया। लो पूरी अभिक्रियाएं दे दी गई, देख लो कितनी नेमिंग रिएक्शन आई, यहाँ पे भी नेमिंग रिएक्शन है, यहाँ पे भी नेमिंग रिएक्शन है और यहाँ पे भी नेमिंग रिएक्शन, सारी नेमिंग रिएक्शन दे दी गई। तो आप बताओ इससे अच्छा पेपर कौन बनेगा, ठीक है। बीच में था अथवा, अथवा वाला कर सकते थे, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करेंगे, 5 नंबर था, और पहला बेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा नाइट्रोबेंजीन, मतलब इन तीनों से आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त कर सकते हो ये भी बताना था। 5 नंबर पे था, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, ठीक है। तो पेपर की बात करें तो यार पेपर बहुत मस्त था, ये देख सकते हो आगे इंग्लिश पोर्शन था पूरा, तो अच्छा पेपर आया था, ठीक है, पेपर बढ़िया आया था, देख सकते हो बढ़िया प्रयोगशाला विधि भी नहीं आई थी पूरे पेपर में और नेमिंग रिएक्शन अच्छी अच्छी आई थी। अगर पढ़ी है जिसने नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कर भी लिया होगा, ठीक है। तो यार ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर 347 जीई का 2024 का, ठीक है। तो आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा, तो जिसका जिसका अच्छा गया हो कमेंट करके जरूर बताना, और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।